आज शाम नार्कोटिक सेल के एसीपी श्री देवराज खत्री एक हमले में बाल बाल बचे। ये हमला उन पर उस वक्त हुआ जब वे विद्यापति कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा ले रहे थे। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और नार्कोटिक जवाबी गोलियां चलाई, जिससे एक गोली हमलावर को भी लगी। कुलाबा स्थित श्री देवराज के ऑफिस में उनसे मिलने वालों की काफी भीड़ रही। तुम आ गए, इतनी देर तक कहाँ थे? नया काम शुरू किया इसलिए देर हो गई। तुम्हें काम मिला? हाँ, खाना तैयार है तो लगा दो, मैं नहा के आता हूँ। ठीक है। फूल जीवा, जीवा, जीवा दरवाजा खोलो, जीवा दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मुझे तुमसे अभी बात करनी है, तुम दरवाजा खोलो। नहा रहा हूँ। नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, तुम दरवाजा खोलते क्यों नहीं? जीवा, जीवा दरवाजा खोलो। मार दूंगा उसे, इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ करे मार दूंगा उसे। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें काम छोड़ दोगे। झूठ बोल के दिलासा दे रहा था तुम्हें और अपने आप को। मगर उस आदमी की मौत मेरे लिए उतनी जरूरी है जितनी तुम्हारी जिंदगी। नहीं लेना मैं बदला, नहीं मारना मैं किसी को। ये गोली तुम्हारे हाथ के बजाय तुम्हारे दिल को भी लग सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती जीवा, नहीं जी सकती। तुम कसम लो मेरी कि तुम देवराज का पीछा नहीं करोगे, कभी नहीं जाओगे। कुछ जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा। वो लोग आए थे मेरे पास इस लड़की को मारने की सुपारिश। मैंने कह दिया हम औरतों और बच्चों का काम नहीं करते। जीवा तुम इस लड़की का साथ छोड़ दो, वो लोग बहुत पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसे जरा से भी खरोच पहुंचाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जीवा जिसके लिए तुम अपनी जान देने पर तुले हुए हो? ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? वही जो जिंदगी और सांसों के बीच होता है। जज्बाती मत। बस, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, समझाना मेरा फर्ज था, बाकी तुम जानो। वो लोग कल 11 बजे आ रहे हैं मेरे पास, देख लेना तुम्हें क्या करना। इधर आके बैठ मेरे पास। माफ करना मदन भाई, वो कल। अरे छोड़ो ना वो साहब, उससे भी कुछ भी हो जाता है। और बोल, तूने क्या तय किया? अरे बोल ना, कुछ खास बात करना चाहता है? मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास मेरे कितने पैसे जमा है। देख जीवा, मैंने तेरी जमा रकम का कोई हिसाब तो रखा नहीं है। तो बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, जितने मांगेगा उतने मिल जाएंगे, बोल। मदन भाई, अगर मैं किसी लड़ाई में। कैसी बच्चों जैसी बात कर रहा है जीवा, अभी तक वो गोली नहीं बनी जो तुझे मार सके। मदन भाई मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे सारे पैसे उस लड़की को दे दोगे जो कल मेरे घर में थी। ठीक है जीवा, अगर तू कहता है तो दे दूंगा उस लड़की को तेरे सारे पैसे। तेरी ही तो अमानत है, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जीवा अब तू निकल यहां से, वो कल वाले लोग आते ही होंगे।
बाहर। रुकिए, या एंट्री कर दीजिए। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लैब की रिपोर्ट मुझे कल चाहिए। ओके? मैं प्रेस रिपोर्टर हूं। मुझे तलाश रही हैं, मेरा इंटरव्यू लेना है। लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। पूछिए। सूझ नहीं रहा है सवाल। सोचो, सोचो क्या पूछना था मुझसे। सोचो वो कौन सा सवाल था जो तुम मुझसे पूछना चाहती थी। सोचो। मैं बताता हूं, तुम्हारे घर के ऑपरेशन में मेरी टीम की परफॉर्मेंस कैसी थी, तुम्हारा बाप कैसे मरा, तुम्हारे भाई को गोली कहां लगी, उनमें से किसी को भी सर पे गोली नहीं लगी। यू नो, तुमने शहर में ये लुका छुपी का खेल खेल के मुझे बहुत परेशान किया है। सर, सर सालवी को किसी ने मार दिया। सर लगता है ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी, इस लड़की का साथी। और कौन मार सकता है मेरे आदमी को इस शहर में? एक मौत देखने का बहुत शौक है ना तुझे। अपने बाप की मौत देखी, अपने भाई की मौत देखी, अब तुझे मैं तेरे यार की मौत दिखाऊंगा। जीवा, बहुत सताया है ना मैंने तुम्हें, पर तुमने हमेशा मेरी हर गलती, हर शरारत को माफ कर दिया। कितनी खुशियां दी तुमने मुझे। तुम्हारे साथ बिताए कुछ ही दिनों में मैंने जिंदगी को पूरी तरह जी लिया। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना चाहिए। मेरी जिंदगी में हर तरफ रोशनी आ गई, मगर तुम्हारी जिंदगी को मैंने अंधेरे में धकेल दिया। हर रोज एक नई मुसीबत का सामना किया तुमने मेरे लिए, और अब तुम मेरी तरफ बढ़ने वाली मौत के आगे खड़े हो रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो। मेरी जिंदगी की शुरुआत और अंत तुम्ही से जुड़ा है, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मेरे लिए मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अब देवराज को मुझे मारने के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसे मारने जा रही हूँ। तुम मुझे भूलने की कोशिश करना, और अगर मुझे सच्चा प्यार करते हो ना तो मुझसे किया हुआ वादा निभाना, तुम इस काम को छोड़ देना। आई लव यू। देख रहा है ये सब सामान? लगता है ऑफिस की पूरी बिल्डिंग उड़ाने आई थी ये। Yeah.
मेरे आदमी आज यहां 11 बजे आने वाले थे, सिर्फ तू जानता था। कौन है वो? किरण, तुम ये सब छोड़ो, मैं कर लूंगा। तुम मदन भाई को जाकर बोलो कि ये जगह हम अभी खाली कर रहे हैं। ठीक है, मैं फोन करके आती हूँ। आदमी घर में अकेला है। घर के अंदर जाने का तुम्हारा कोई इशारा है? डेंजर। क्या है? आदमी बिल्कुल मेरे सामने है सर, इसने मेरे सर पर गन लगा रखी है। लड़की को छोड़ दो। नहीं, मैंने कहा लड़की को छोड़ दो। नहीं छोड़ना। नहीं, लड़की को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का चीफ बाबा, किसी को भी मार सकता है ना, तो मार ना। Thank you.
वहीं रुको। देवराज खत्री को नहीं पहचानता सर, सॉरी सर। कंट्रोल टावर, यस। आई वांट द स्पेशल फोर्सेस। व्हाट? आई वांट द स्पेशल फोर्सेस नाउ। नहीं जीवा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है नीचे जाते हुए। कुछ अजीब नहीं है, तुम जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सुनो 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 मेरी बात। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी जीवा। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। देखो, हम यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। मैं इसे अकेले निपट सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तो जीना चाहता हूँ। तुम इसे तो सीखा मैंने जीना। तुम देखना, हम बहुत खुश रहेंगे। मदन के पास मेरे बहुत सारे पैसे हैं। हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस पर तुम चली जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कभी नहीं जीवा। तुम जाओ। I love you. I love you too. आदमी को उड़ाने के लिए बोला था, पूरी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए नहीं। हमने सर दरवाजा तोड़ा है सर। You don't worry sir, we are going in. Take your positions. Positions. Go. उसे पकड़ लेंगे सर। अब तक अंदर से कोई बाहर नहीं आया सर। डोंट वरी सर। क्विक क्विक मूव मूव। देखो
बाबा, किसी को भी मार सकता है, तुम्हारे लिए किरण की तरफ से जीवा की सारी दौलत है। उसने कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो मैं ये तुम्हें दे दूं। आज वो उस दुनिया में नहीं है, अब ये तुम्हारी है, संभालो इसे।